हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी असल में दो भाइयों के ऊपर होने वाली है जिन्हें बहुत ही छोटी उम्र में अपने घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया ये जानकर हैरान रह जाएंगे आप। तो कहानी शुरू होती है, ये वही दौर है जब हिटलर की क्रूरता आसमान पर थी। वो बच्चों बूढ़ों किसी को भी नहीं छोड़ता था। अब तो उसने फ्रांस के कई बड़ी जगहों पर अपना कब्जा भी कर लिया था। उसी में से एक छोटे से शहर के हम दो भाई को देखते हैं जो अपने दिन कंचे खेल कर गुजार रहे थे। उनके पिता रोमन की एक हेयर कटिंग की शॉप थी जिसमें उनके दोनों बड़े बेटे काम किया करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों छोटे भाई अपनी मौज मस्ती में मस्त हैं और इन्हीं में से जोसेफ सिवाय गॉड से किसी से नहीं डरता। इसलिए एक दिन जब उसके शॉप पर कुछ जर्मन ऑफिसर आते हैं तो वो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, जिस चक्कर में वो भड़क भी जाते हैं। तब उसके डैड बड़ी बहादुरी दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी जिस जगह पर खड़े हो वहाँ तुम्हारे अलावा और कोई जर्मन नहीं है। इसी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने डैड की बहादुरी को देखकर जोसेफ का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी मॉम क्लारा को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उन्हें अपने परिवार की फिक्र है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि दोस्तों अब नाजी सेना किसी भी समय फ्रांस के कई हिस्सों पर कब्जा कर लेगी, लेकिन अभी भी कुछ जगह बाकी है जहां पर इटालियन आर्मी ने अपना कंट्रोल नहीं खोया है और अब सभी लोग उसी तरफ भाग रहे हैं। अब एक दिन हिटलर की तरफ से फरमान आता है कि सभी ज्यूस लोगों को अब अपनी निशानी के तौर पर एक कपड़ा पहनना पड़ेगा ताकि वो उन्हें हर चीज़ों में अलग खड़ा कर सके। जोसेफ को यह बात सही नहीं लगती लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो पहन लेता है। पर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसके कपड़े की वजह से उसे कई लोग तंग करते हैं और मारते भी हैं। तो जोसेफ आकर अपने बड़े भाई को बचाता है और रास्ते में आते हुए वो अपने उस कपड़े को फेंक देता है, पर उसे ये नहीं पता कि आज उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। जब वो घर पर पहुंचता है और उसकी माँ उसके चेहरे पर चोट के निशान देखती है तो समझ जाती है कि अब उन दोनों को यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इसलिए वो रोमन के आते ही उनसे बात करने को कहती है। वो उन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे डैड ने मुझे रशिया से अकेले यहाँ भेज दिया था ताकि मैं सेफ रह सकूँ, और अब यही तुम दोनों को भी करना है। अब ये सब बातें समझाने के लिए जोसेफ काफ़ी छोटा था इसलिए वो अपने मॉम डैड से दूर नहीं जाना चाहता था, पर रोमन को उसको डरा धमका कर कैसी भी करके भेजना ही पड़ेगा वरना वो अपने बच्चों को खो देंगे। या उनकी माँ उन्हें प्यार से समझाती है और कहती है कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई अभी इस समय के सेफ सिटी में है और तुम्हें भी वहाँ जाना है। अब मार्कस के कहने पर जोसेफ हाँ कर देता है, लेकिन उसके माँ और बाप इस चीज़ के लिए राजी तो हो गए थे लेकिन उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी औलाद उससे दूर जाए और उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ तक वो सही सलामत पहुँच पाएंगे या फिर नहीं, या फिर आज वो अपने बच्चों को आखिरी बार देख रहे हैं। अब यहाँ रोमन जोसेफ को कुछ पैसे देता है और कहता है कि चाहे कोई कुछ भी कहे तुम्हें ये नहीं बताना है कि तुम एक ज्यूस हो। अब जोसेफ अपने कंचों के झोले में से एक कंचा निकाल लेता है और उसे लेकर अंधेरी रात में धीमे पांव निकल जाता है। उनके माँ बाप उन्हें बस देखते रह जाते हैं। सुबह तक वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां वो चुपचाप सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में उन्हीं की तरह हजारों लोग थे जो यहाँ से चुपचाप भाग रहे थे। चारों ओर बस मायूसी का मंजर था। इस सफर पर जोसेफ की आंख लग जाती है और जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि बाहर कुछ लोगों को जर्मन मार रहे हैं। तब मार्कस उन्हें बताता है कि स्टेशन पर जर्मन सभी लोगों के पेपर चेक कर रहे हैं और जो ज्यूस है उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। इसी डर से कई लोग तो चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और तभी एक फरिश्ता यानी कि फादर उन्हें अपने पास बुलाते हैं और एक एप्पल देकर शांत रहने को कहते हैं। जब जर्मन उन्हें चेक करने आते हैं तो वो उनसे झूठ कह देते हैं कि ये दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, इसीलिए उन्हें जर्मन जाने देते हैं। अब स्टेशन आने पर वो उन्हें एक बस पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहना जिससे तुम्हें जीने की ताकत मिलती रहेगी और इस दुनिया में सिवाय अपनों के किसी पर भरोसा मत करना। ये सीख लेकर वो दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो बस जाकर एक इलाके पर रुकती है जहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, लेकिन कुछ परिवार एक शेड की ओर जा रहे थे और वो लोग भी इन्हीं की तरह ज्यूस होते हैं, इसलिए दोनों उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं और वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ देर में एक फेरी आने वाली है जिसमें बैठकर वो उस एरिया में पहुँच जाएंगे जहाँ पर हिटलर का कब्जा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रेमंड नाम का आदमी आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, पर मैं तुम्हें फ्री में उस सिटी तक छोड़ सकता हूँ। दोनों ही बच्चे थे इसलिए उन्हें इतनी समझ नहीं होती और वो उसे कुछ पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि मैं शाम में तुम्हें लेने आऊँगा। अब वो वहीं उसका इंतज़ार करने लगते हैं, पर कई घंटे बीत जाते हैं और दिन से शाम हो जाती है और शाम से रात, पर रेमंड का कुछ अता पता नहीं था। शायद फादर की बात सच निकली, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ जर्मन आते हैं जिसे देख कर ये दोनों छुप जाते हैं।
लेकिन अगले ही पल वहां पर रेमंड पहुंच जाता है और फौरन इन्हें जंगल के रास्ते उस जगह तक ले जाने लगता है। पर बीच में वो देखता है कि कई जर्मन कुछ लड़कियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनके साथ बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं। तभी एक परिवार इनके पास आता है जिसमें एक बच्ची भी थी। वो परिवार रेमंड से अपनी जान की भीख मांगता है और वो उन्हें देख कर मना नहीं कर पाता, इसलिए अब ये सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और एक नदी पार करके एक कॉटेज तक पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें आज की रात गुजारनी है, क्योंकि अगली सुबह इन्हें अब अकेले ही आगे बढ़ना होगा। अब सुबह की किरण क्या इनके लिए अच्छा या बुरा संदेश लाएगी, ये तो इन्हें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि इन्हें कैसे भी करके अपने भाइयों के पास पहुँचना है और अपने माता पिता से किया हुआ वादा पूरा करना है। इस पूरे सफ़र में मार्कस अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखता है, यहाँ तक कि वो अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देता है क्योंकि वो अभी नादान है। सुबह ये अकेले ही उस बीहड़ इलाके में पैदल ही निकल जाते हैं और फिर इनका सफ़र लंबा है। अब इतना चलने की वजह से जोसेफ के पैरों में छाले पड़ जाते हैं और ये देखकर मार्कस समझ जाता है कि अब वो चल नहीं सकता, इसलिए वो उस छोटे भाई को अपने कंधों पर बैठा लेता है और उस चट्टान को चढ़ना शुरू कर देता है। अब इन मासूम बच्चों के साथ ऊपर वाला भी पूरे तरीके से साथ दे रहा था, इसलिए इन्हें कुछ ही देर बाद एक किसान मिल जाता है जो लिफ्ट दे देता है। अब सफर में वो किसान इनसे कई बातें करता और इन्हें बताता है कि पीछे जो मेरा पिग है उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। अब ये जानकर वो काफी खुश होते हैं और हंसते भी हैं। अब मार्कस और जोसेफ इसके बाद कई लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। वो लोग इन्हें कुछ कुछ दूरी पर छोड़ दिया करते थे, पर यहाँ जोसेफ एक चीज गौर करता है, सभी जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर किसी को इस बात का डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों भाई अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन समय साथ बिता रहे हैं। वो हर वो चीज़ करते हैं जो वो हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं थी और इसीलिए उन्हें अब इस सफ़र में मज़ा भी आने लगा था। कुछ दिनों तक चलने के बाद आखिर ये उस जगह पहुँच गए थे जहाँ पर लोग आज़ाद, यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं थी और ना ही कोई उनमें भेदभाव था, ना ही धर्म का, ना ही कास्ट का। और बड़ी ही मुशक्क़त के बाद उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भी ढूंढ लिया, उन्हीं के साथ रहने लग गए। अब इसी तरह से 7 महीने के बाद उनके पास उनके माता पिता भी आ जाते हैं और अब ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन रोमन को पता था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, हिटलर कुछ न कुछ चाल ज़रूर चलेगा और वही होता है। खबर आती है कि मुसोलियम को कैद कर लिया गया है और इटली ने अपने सैनिकों को बुला लिया है जो इस शहर की रक्षा कर रहे थे, जिसके बाद अब यहाँ पर कभी भी जर्मन आकर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन यहाँ रोमन जोसेफ को ये बात घर में किसी को ना बताने को कहता है क्योंकि आज क्लारा का जन्मदिन है। अब वो उसे अच्छे से इंजॉय करते हैं, पर तभी उनके गेट पे कोई नॉक करता है। फौरन रोमन अपने बच्चों को घर में छुपा देता है क्योंकि उन्होंने यहाँ किसी को नहीं बताया कि वो अपने बच्चों के साथ रहता है, सबको लगता है कि वो अकेले रहते हैं। पर वो सोल्जर मानने को तैयार नहीं थे, पर आखिर में क्लारा उन्हें अपना रशियन पासपोर्ट दिखाती है और तब जाकर वो मानते हैं। पर एक बार फिर अब रोमन और क्लारा को अपने बेटों का डर सताने लगा था क्योंकि जर्मन से यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए वो अपने दोनों छोटे बेटों को एक हॉस्टल में डाल देते हैं। पर जोसेफ अपनी माँ से गले लगकर रोना शुरू कर देता है, वो एक बार फिर से उनसे दूर नहीं होना चाहता है और रोमन उन्हें समझाता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। इतना सब कुछ इन्हें झेलना पड़ रहा था सिर्फ एक शक की हैवानियत की वजह से। अब दोनों उस हॉस्टल में रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कई ऐसे बच्चे थे जो अपना धर्म, अपनी कास्ट छुपाते थे ताकि उन्हें और बच्चे तंग ना करें, और ऐसे ही कुछ बच्चों से इनसे दोस्ती हो जाती है और समय बीतना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब दोनों बच्चों को अपने माता पिता की याद नहीं आती, पर उनके पास कोई चारा नहीं है उनसे दूर रहने का। वो अपना दिल पर पत्थर रखकर एक एक दिन गुजार रहे थे और इसी तरह से पूरे एक साल बीत जाते। इस साल में जोसेफ पहले से ज़्यादा समझदार और होशियार हो गया था। उधर मार्कस ने अपने शरीर को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसे पता था कि एक दिन ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं उस हॉस्टल में एक अली नाम का आदमी भी काम करता था और उससे इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो इन्हें एक दिन शहर लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें शायद इनके माँ बाप मिल जाए। इसी उम्मीद में दोनों भाई निकल जाते हैं। एक जगह पर अली इनसे कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ, पर काफ़ी देर हो जाती और वो लौट कर नहीं आता। तब मार्कस उसे ढूंढने जाता है लेकिन वो भी वापस नहीं आता, तो जोसेफ जाता है और तब उसे पता चलता है कि उस जगह पर जर्मन सैनिक है जो सभी को कैद कर रहे हैं और उन्होंने उनके भाई को भी कैद कर लिया, जिसके बाद उन्हें हेडक्वार्टर लाया जाता है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। सबसे पूछताछ होती है, अली को भी पकड़ा जाता है और उसे इन दोनों के सामने बहुत मारा पीटा जाता और फिर इनसे भी कई सवाल किए जाते हैं। लेकिन इन्हें अपने पिता से किए हुए वादे को कायम रखना है, इसलिए बार बार कहते हैं कि ये एक रशियन है ना कि ज्यूस।
लेकिन वहां खड़ा सैनिक इन्हें मारना शुरू कर देता है और अपने भाई को तकलीफ में देखकर जोसेफ उस सैनिक पर हाथ उठा देता है। इसके बाद दोनों को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। वहां बैठे डॉक्टर को पता चल चुका था कि ये एक ज्यूस है, लेकिन उसने रिपोर्ट में झूठ लिखा और इन्हें जाने दिया। अब जोसेफ उसकी तरफ देखता है और यही सोचता है कि आखिर उसने उन्हें क्यों बचाया। यहाँ इनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद भी जनरल मार्कस को बार बार बुलाता था और उसे वही एक सवाल किया करता था कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, लेकिन मार्कस मुंह नहीं खोलने वाला था। इसलिए वो लोग जोसेफ को एक ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ कैद थे और उन्हें कई दिनों से खाना भी नहीं दिया गया था। जनरल मार्कस को 2 दिन का समय देता है जिसमें उसे अपने रशियन होने का सबूत लाना होगा, तो वो अपने छोटे भाई को वैसी हालत में छोड़कर वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के लिए चला जाता है। लेकिन एक दिन जोसेफ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो ऐसे ही बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स आकर उसे चुप कराता और ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो खुद एक ज्यूस था और उन्हें ये लोग आज जर्मनी लेकर जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते वो जोसेफ से कहता है कि तुम्हें ऊपर वाले ने 2 बार बचाया है, जिस तरह से तुम अपने इस कंचे को हमेशा अपने साथ रखते हो उसी तरह तुम्हें खुद को भी बचाना होगा। अब अगले दिन मार्कस एक नकली सर्टिफिकेट लेकर आता है और उसे फादर भी मान लेते हैं, लेकिन वो जनरल मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो उनके लिए एक जाल बिछाता है ताकि वो जैसे ही यहाँ से भागे उन्हें मार दे। लेकिन अहम समय पर जोसेफ गेट के पीछे खड़े सैनिक को देख लेता है और वहीं रुकने को कहता है, जिसे उस जनरल को उन्हें छोड़ना ही पड़ता है और फादर उन्हें लेकर बाहर आ जाते हैं। असल में दोस्तों ये फादर उसके डैड के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन्होंने उसकी मदद करी। अब दोनों बच्चे हॉस्टल के लिए रवाना होने लगते हैं, पर बीच में उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। रोमन कार के पीछे से इतने सालों बाद अपने डैड को देखते हैं, उन्हें एक सरप्राइज मिलता है जो कि था रोमन। अब इतने सालों बाद अपने डैड को देखकर दोनों ही उनसे जाकर लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। रोमन को अपने बच्चों पर गर्व था कि उन्होंने खुद को कैसी बेकर कर संभाल कर रखा था, और पूरे रास्ते भर जोसेफ ने अपने पिता को नहीं छोड़ा, पर हॉस्टल आते ही उन्हें जाना पड़ा क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। इसलिए वो दोनों फिर से वहीं रहने लग जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। एक बार फिर से एक साल बीत जाता और किसी को खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक से क्लारा का कॉल आता है। जोसेफ अपनी माँ की आवाज़ पूरे 2 साल बाद सुन रहा था, पर इसमें उसे खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो उन्हें बताती हैं कि उसके डैड को पुलिस अपने साथ ले गए हैं, इसलिए उन्हें अब वहाँ से किसी और जगह जाना होगा, यानी कि एक और अनजान जगह पर। इन्हें अपनी पहचान बनानी होगी, तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने सफ़र पर निकल जाते हैं ना किसी को बताए हुए, और अब इन्हें तब तक भटकते रहना होगा जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती। इसलिए जोसेफ एक मॉन्सोलियन नाम के आदमी की दुकान पर काम करने लगता है और उसका काम था सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटना। उधर मार्कस कुछ आंदोलनकारियों के घर में काम करता था जो आज़ादी के लिए लड़ाई में थे। मॉन्सोलियन को ज्यूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसीलिए वो और उसका बेटा दोनों ही उनसे नफरत करते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जोसेफ भी एक ज्यूस है। पर उनकी बेटी एंजेलिना, जिसे जोसेफ पसंद करता था, वो ऐसी नहीं थी। इसलिए एक दिन जब वो दोनों अकेले घूम रहे थे तो जोसेफ आखिरकार किसी तीसरे आदमी को बता देता है कि वो एक ज्यूस है, पर एंजेलिना कहती है कि वो वादा करती है कि वो जब तक जिंदा है ये बात किसी को नहीं बताएगी। तभी उनके सामने कुछ जर्मन सैनिक ज्यूस लोगों को पकड़ कर लाते हैं और उन्हीं के सामने गोली मार देते हैं, जिसे देखकर एंजेलिना सहम जाती है। अब एक दिन मार्कस के मालिक के घर पर जर्मन आते हैं जिसमें मॉन्सोलियन का बेटा भी था। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पे क्रांतिकारी रह रहे हैं, इसलिए वो उनके घर में घुस जाते हैं और उन्हें बहुत मारते पीटते हैं। पर उन लोगों ने जोसेफ का सहारा लिया और कुछ ऐसे लेटर और ज़रूरी पेपर उसके हाथों दूसरे लोगों तक पहुँचा दिया जिससे कि उस पर कोई शक नहीं करता। लेकिन यहाँ दिन ब दिन आंदोलन की आग भड़कना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके लोगों में गुस्सा भरना शुरू हो गया था और उन्होंने सबसे पहले अपना निशाना बनाया मॉन्सोलियन और उसके दुकान को तोड़ फोड़ करके। वो उन्हें बताना चाहते थे कि अब उनका अंत करीब है। अब इसी तरह से समय बीतता रहता और एक दिन सुबह की किरण एक ऐसा संदेश लाती है जिससे वो दिन इतिहास में दर्ज हो जाता है। मॉन्सोलियन सुबह का न्यूज़पेपर जब पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि फ्रांस गॉट फ्रीडम, यानी कि वो आज़ाद हो चुका है। उधर जोसेफ हर एक गली में चीख चीख कर सबको बताता है कि हम आज़ाद हो गए हैं। सभी लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। नाजीज का झंडा उतार कर फ्रांस का नेशनल फ्लैग लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, वो अपना बदला लेंगे, इसलिए वो घुस जाते हैं मॉन्सोलियन की दुकान पर और उसका पूरे परिवार को मारना शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ जोसेफ को फिक्र थी कहीं एंजेलिना को कुछ हो ना जाए, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो उसे लेकर यहाँ से दूर चला जाए। पर जब वो उसके घर पहुँचता है तो देखता है कि सभी लोग मॉन्सोलियन को मार रहे हैं, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि मैं एक ज्यूस हूँ और इन्होंने मेरी जान बचाई है।
ये बात से सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ मंसूरियन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर उसकी बीवी उसका शुक्रिया अदा करती है कि एक ज्यूस होकर भी उसने उनकी जान बचाई। जिसके बाद जोसेफ एंजेलिना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर एंजेलिना को हम देखते हैं जो सुबह से शाम तक उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन जोसेफ उस तक पहुंच नहीं पाता। अब बहुत देर हो चुकी थी, वो बस में बैठकर चली जाती है किसी अनजान शहर की ओर, और ये जोसेफ बस अपनी नम आंखों से उसे देखता रह जाता है। अगले सीन में दोनों भाई पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फाइनली अपना परिवार मिल जाता है। जोसेफ अपने भाई और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। सभी लोग गले लगाकर रोने लगते हैं, पर दोस्तों एक शख्स उसमें कम था, और वो था रोमन, जो जेल से लौटकर कभी आया ही नहीं। मतलब कि उसकी मौत हो गई, मतलब कि जर्मन ने उसे मार दिया। ये जानते ही जोसेफ अंदर से टूट जाता और वहीं बैठकर रोने लगता है। तब उसका भाई उसके पास आता और उसे संभालता है। आज पहली बार जोसेफ के हाथों से वो कंचा छूट जाता है जिसे कि उसने हमेशा हिम्मत दी थी। ये कंचा उसके पिता की तरह था, जो उसके मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ था, लेकिन आज वो भी इस कंचे की तरह उनसे दूर चले गए। और आखिर में हम जोसेफ और मार्कस की ओरिजिनल फुटेज देख पाते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि उस दिन के बाद से उन्होंने पेरिस में ही रहकर अपने परिवार को संभाला, पर जोसेफ को कभी भी एंजेलिना मिल नहीं पाई, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं करी और उसी का इंतजार करता रह गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने क्या किया, उसने हजारों लाखों लोगों को उनके परिवारों से अलग कर दिया, और ये कहानी भी उन्हीं में से एक परिवार की है। इस वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का। हमें ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।